देखिए जब भी ये आ चुका है डीए 50% हो चुके हैं, हम डीए के पीछे पड़ गए कि भाई बेसिक पे को मर्ज कर दो डीए में और हमारे को दे दो, हमारा बेसिक पे बढ़ गया। तो लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि डीए का 100% का भी एक रूल बनाया गया है और 50% का भी एक रूल है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो केंद्रीय कर्मचारी है 90% लोगों को ये नहीं पता कि 100% का रूल 50% से भी बेहतर है। जब ये आया था लोग हमेशा मुझे भी पूछते हैं कि सर कब हो जाएगा हमारा बेसिक पे में मर्ज, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बेसिक पे तो मर्ज कर देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रखना। क्यों डाउट नहीं रखना पता है? अगर 100% हो गया ना, उनको आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और बीजेपी गवर्नमेंट जब तक है उम्मीद नहीं रखना आपको ज़्यादा पेमेंट वो करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ रूल्स। देखिए पहले 50% का रूल्स ये है भाई, जब 6 पे आपका 7 पे कमीशन आया था, बोला 8 पे कमीशन नहीं लाएंगे, आपका जब भी डीए 50% हो जाएगा या फिर 100% हो जाएगा उसमें हम मर्ज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप डीए 50% अभी हुआ, लेकिन आपको क्या याद है जब हमारा कोरोना का 18 महीने का एरियर जो हमने जमा किया था वहाँ पर 3 इंक्रीमेंट हमारा बचा था। अगर 3 इंक्रीमेंट अगर आप बात कर लो तो 4 + 4 + 4, ये मिनिमम लेके चल रहा हूँ 12%, यानी आज की डेट में 62% का डीए होना था। मतलब हम अभी 12% लॉस में लेके चल रहे हैं हमारी सैलरी। लेकिन ठीक है भाई, कोरोना में हमने डोनेशन दिया, कभी छाती ठोक के बोल सकते हैं कि भाई हमने कम से कम 3-4 लाख डोनेशन तो किया जब तक सर्विस करेंगे, क्योंकि ये 12% तो पहले से ही हम लॉस खा के चल रहे हैं। अभी भी इसका आगे भरपाई करना हमें पड़ रहा है, कुछ भी है ठीक है। लेकिन चलो वो बात अलग है, सिचुएशन ही अलग था। यहाँ पर 50% हमारा डीए हो गया। तो भाई रूल्स क्या है इसका कि अपना जो बेसिक पे है वो मर्ज हो जाएगा। जैसे 21,000 का बेसिक पे है और इसका जैसे 20,000 लेते हैं, थोड़ा आपको समझाने में मुझे इजी होगा। 20,000 जैसे हमारा बेसिक पे है, एक्चुअली बेसिक पे स्टार्टिंग 21,000 है, तो वहाँ पर 50% डीए यानी 10,000 आपका ये होगा। तो 30,000 से आपका बेसिक पे शुरू होगा। अभी ये बेसिक पे आपको फ़ायदा इस सैलरी में ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी डीए 0% कर दिया और जो अलाउंस वो बढ़ गया, अलाउंस में आपको 2,000-3,000 देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादातर बढ़ गया, जो 3-4 हज़ार का एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलेगा। लेकिन आपका क्या है यहाँ पर, जो ये बेसिक पे है ना, आपको कहाँ पर अच्छा प्रॉफिट देगा? जब आप पेंशन जाओगे। 20,000 का जो पेंशनर कितना मिलता है उसको, 10,000 का पेंशन आसपास मिलता है, लेकिन 30,000 का बेसिक पे वालों को 15,000 मिलता है, 5,000 फ़र्क पड़ गया। उसी हिसाब से जिसका अभी 60-70 हज़ार बेसिक पे जाएगा, 80,000 चला जाएगा, तो उसको 40-50 हज़ार तो पेंशन ही मिल जाएगा, तो उसको फ़ायदा है 15 साल में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो सर्विंग सोल्जर है इतना फ़ायदा नहीं है इनको। हाँ, बाकी आगे जैसे डीए बढ़ता जाएगा तो उसमें फ़ायदा आपको होता रहेगा। लेकिन ये 50% का जब भी रूल था कि जैसे ही आपका ये हो जाएगा 50% मर्ज हो जाएगा, मर्ज करने के बाद आपका बेसिक पे शुरू हो जाएगा, वहीं से डीए मिला देंगे, डीए 0 करके शुरू कर देंगे, और जो अलाउंसेस है किसी का 4% किसी का 25% हम बढ़ा देंगे, ठीक है ओके। लेकिन उसके साथ एक 100% का भी रूल था कि जब गवर्नमेंट चाहे 50% में इसको मर्ज नहीं किया अपने मर्जी से और ये 100% तक जाने दिया, तो यहाँ पर अलग होता है। क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए उसी बेसिक पे 20,000 हो गया और वहाँ पर 100% भी है, कितना हो गया 20,000 हुआ, ठीक है। यहाँ पर जैसे 20,000 और 20,000 हो गया 40,000, ठीक है। यहाँ पर ये डबल हो जाता है, हर एक चीज़ डबल हो जाता है। वहाँ पर क्या है, जैसे हमने अभी TPTL 1,800 रुपये हमें मिलता है, हमने इसका 4% ही बढ़ाया, सॉरी 25% बढ़ाया, कितना 25%। HRA का हमने कितना बढ़ाया, 3% बढ़ाया, जो 27 था उसको 30% कर दिया, नहीं कर दिया 10, 20 और 30 XYZ सिटी का। लेकिन मान लीजिए अगर ये 100% में आज DA होता, तो मान लीजिए बेसिक पे आपका 40,000 हो गया, ये डबल हो गया, आपका HRA आपको 30% के हिसाब से मान लीजिए आज की डेट में मिल रहा था आपको 5,000 रुपये HRA मिल रहा था, इसका इन्होंने कितना बढ़ाया, 3% बढ़ाया, कितना X का 3, Y का 2, Z का 3, 3% भी लेके चलते हैं, तो 5,000 का 3% कितना होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 100% डीए हो जाता है तो 5,000 का सीधा आंख बंद करके डबल हो जाता है। मतलब रूल्स ये है कि 5,000 का डबल हो जाएगा, जो जो अलाउंस जितना जिस जवान को मिल रहा है वो सारे डबल हो जाएंगे। यानी सीधी सी बात, अगर मैं एक अनएजुकेटेड आदमी है, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, अगर मैं देखा जाऊँ ना, अगर मेरा सैलरी महीने में आज की डेट में एक सिपाही का सैलरी लगभग 42,000 बन रहा है, 40,000 ये सीधा 80,000 में जाएगा अगर 100% डीए हो जाता है तो। और 100% डीए होने में हमारे को कितना टाइम लगेगा, और मान लीजिए 5-6 साल लग जाएगा, क्योंकि 50% ऑलरेडी हो चुका है। अगर साल में हम 2 बार 4-4%, 8% भी लेके चलेंगे तो 8 साल में तो हो ही जाएगा ये। तो यहाँ पर 100% होने में आपको बहुत प्रॉफिट है, आपको बहुत फ़ायदा है। लेकिन ये सारे जवानों को पता नहीं है, केंद्रीय कर्मचारी को पता नहीं, इसलिए वो 50% के पीछे भाग रहे हैं। मैं 50% के पीछे कभी नहीं भागा, क्योंकि मुझे पता है अगर 100% यहाँ पर गवर्नमेंट मर्ज नहीं करता, लेकिन गवर्नमेंट मर्ज करेगा मुझे पता है, क्योंकि अगर 100% में जाएगा ना, जिसकी आज की डेट की सैलरी है, एक हवलदार की आज की डेट की सैलरी है जो सिर्फ पीस एरिया में है, कम से कम 75,000, ठीक है, कितना 75,000 के आसपास है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपया हो जाएगा भाई, 1.5 लाख रुपया अगले 7-8 साल में, सोचो
1.5 लाख रुपये आप ले रहे होंगे अगर आप फौज में हवलदार होंगे। मान लीजिए आप फौज में अभी कोई ऐसा जगह पर है जैसे जम्मू एंड कश्मीर में है, अलाउंसेस ले रहे हो और आपकी रैंक हवलदार है, आपकी 90,000 के आसपास पेमेंट बन रहा होगा, वहाँ पर 90 से ज़्यादा बन रहा होगा, आपका सीधा 2 लाख सैलरी बनेगा भाई अगले 5-7-8 साल में। तो सोचो आपकी सैलरी में कितना, अगर आपका 2 लाख सैलरी बनेगा वहाँ पर आपकी बेसिक पे ही आपका 1 लाख बनेगा भाई, 1 लाख बेसिक पे बनेगा। और बेसिक पे का आपको कम से कम 60,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगा, जो आज की डेट में 35 से लेके 37,000 के आसपास मिल रहा है, वो 60,000 भाई कम नहीं होता, 60,000 बिना काम किए हुए पेंशन लेना, और साथ में CSD ले रहे हो, मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि 50% रूल और 100% रूल में क्या फ़र्क है। जब भी 50% होता है ना उसके कुछ परसेंटेज है जो हम बढ़ाते हैं, जैसे TPDL में 25 है, किसी हॉस्टल सब्सिडी में 4%, किसी HR में हमने 3%, लेकिन 100% अगर होता है हर एक चीज़ डबल हो जाता है वहाँ पर। MSP आपका 5200 है, ये डबल हो जाएगा, 5200 हो जाएगा, हर एक चीज़ इंक्रीज होता है। मैंने इसलिए बोला ना, अगर आप आँख बंद करके आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी सैलरी का डबल कर लो, अगर 100% हो जाता है, अगर ये होता है बहुत अच्छी बात है भाई, 7-8 साल में आपकी डबल सैलरी हो जाएगा और आपको एक अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप एक्चुअली में 50% या 100% के पक्ष में, कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पता था। अगर नहीं पता था, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा एक ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम है टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल, उसको ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद।